दोस्तों, हम सभी को बचपन में खिलौनों से खेलने का शौक रहा है और हर जनरेशन के अंदर खिलौने का क्रेज देखा गया। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, इसी तरह आजकल के खिलौने भी एडवांस होते ही जा रहे हैं। वैसे तो बच्चे खिलौनों को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन इन खिलौनों में कुछ खिलौने ऐसे भी हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। ऐसा ही एक खिलौना सन 2015 में भी बनाया गया था। इस खिलौने की वजह से दुनिया के लाखों बच्चों की जान खतरे में थी। यह समय था 1976 का, जब हांगकांग के अंदर एक टॉय कंपनी खोली गई। इस कंपनी का नाम था वीटेक। यह कंपनी बच्चों के लिए अलग अलग तरह के खिलौने बना रही थी और इसके खिलौने काफी ज्यादा एडवांस होते थे, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये कंपनी पूरी दुनिया में फेमस होती चली गई। ये कंपनी समय के साथ बच्चों के लिए मार्केट में नई नई चीजें ला रही थी। इसी तरह सन 2012 में इस कंपनी ने बच्चों के लिए एक नया खिलौना बनाया। ये एक लर्निंग टैबलेट थी, जिसका नाम इस कंपनी ने इनो टैब रखा था। इस टैबलेट को 9 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे करके इस टैबलेट का क्रेज बच्चों में बढ़ता चला गया और ये काफी ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया। लोग इस टैबलेट को अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा टॉय समझ रहे थे। और असल में ये टैबलेट था भी अच्छा, क्योंकि ये एक लर्निंग टैबलेट था जिसके जरिए बच्चे काफी सारी चीजें सीख रहे थे। धीरे धीरे करके ये टैबलेट भी दुनिया भर में फेमस होने लगा। वीटेक ने धीरे धीरे करके इस टैबलेट में नए नए फीचर्स डालना शुरू कर दिए। इस टैबलेट के जरिए इस कंपनी ने करोड़ों डॉलर की कमाई करी थी। साल 2015 में इस कंपनी ने टैबलेट का एक और नया मॉडल लॉन्च कर दिया, जो काफी ज्यादा एडवांस था और उसमें कई सारे न्यू वर्जन्स डाले गए थे। बच्चे टैबलेट को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते थे और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग गेम डाउनलोड कर सकते थे। इसे करने के लिए सिर्फ वीटेक का एक अकाउंट बनाना पड़ता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असल में यह टैबलेट उनके बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस टैबलेट को लॉन्च हुए सिर्फ 10 ही दिन गुजरे थे कि यह बात सामने आई कि इस नए टैबलेट के सिस्टम को कोई हैकर हैक कर चुका है और यह चीज बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ इस कंपनी के लिए भी ये एक बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज थी। कुछ दिनों बाद कंपनी को यह भी पता चला कि इस हैकर ने अब तक खरीदे गए सभी टैबलेट्स के अकाउंट को हैक कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात भी सामने आई कि इस टैबलेट के जरिए वो हैकर बच्चों की जासूसी भी कर रहा था। यह हैकर इस टैब में लगे हुए वेबकैम कैमरे के जरिए बच्चों की बातें भी सुन लिया करता था और उन्हें देख भी लेता था, और ये चीज बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थी। यह हैकर 65 लाख बच्चों के ऊपर जासूसी कर रहा था और किसी को भी बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन यह हैकर था कौन, इसकी सच्चाई भी बहुत जल्द सामने आई। साल 2015 में ही इस हैकर के बारे में पता चल गया। यह एक 25 साल का आदमी था जो इंग्लैंड में रहता था। इस हैकर का नाम जेम्स क्लार्क था। यह आदमी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। इसी आदमी ने वीटेक के सभी टैबलेट्स के सिस्टम को हैक कर रखा था। यह सिर्फ बच्चों की जासूसी ही नहीं करता था, बल्कि इसने इन टैबलेट्स के जरिए लोगों का 20 GB डेटा भी चुरा लिया था। इस जुर्म में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इस हैकर के ऊपर 6,50,000 पाउंड का जुर्माना लगाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद सन 2017 में इस आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट का भी डेटा चुरा लिया था। यानी कि ये आदमी एक क्रिमिनल था जो इन सब कामों को बखूबी अंजाम देना जानता था। इस हैकर की वजह से वीटेक की ये लर्निंग टैबलेट एक खतरनाक टॉय बन चुकी थी, जिसे हर माँ बाप अपने बच्चे से दूर रखना चाहते थे। दोस्तों, ये दुनिया खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। अब ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली को ऐसे लोगों से बचा के रखने की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।